तो रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम लग रहा है उसमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन पर आज के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो उसी टॉपिक से हर क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो 2024 की जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी की उसमें उसी टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है और उसी से ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो आप देख सकते हो, इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको यानी एसएससी जीडी में जो बार बार क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उसकी जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको हर साइंस है, राजनीति विज्ञान है, इतिहास है और पॉलिटिक्स है, सब का आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर शिफ्ट में जो इस टॉपिक से हर टॉपिक है उसे जो मेरे क्वेश्चन बनाए हैं वो हर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। अब इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो सारा उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आपको नीति आयोग का जो टॉपिक है उसको एक बार देख के जाना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग बन गया है। इसका जो टॉपिक है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेकर एग्ज़ाम में उस टॉपिक को पढ़कर ही एग्ज़ाम में जाना है। बाद में मेरा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी आर्टिक होम ऑफ द वेदांश पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये बाल गंगाधर तिलक है जो एसएससी जीडी की 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है 27 तारीख की शिफ्ट में। तो आप यानी कि जो जितने भी बुक है, जितने भी लेखक है, उनको पूरे को एक बार पढ़कर बाद में ही एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। अब तीसरा क्वेश्चन है मेरा, कोर्डम अयस्क किसका अयस्क है, यानी एल्यूमिनियम का है, तांबा, लोहा, चांदी, इसका अयस्क के बारे में और जो धातुओं के बारे में आपको एक बार देख के ज़रूर जाना है। हर टॉपिक से ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लिया है। और जितने भी आपकी एग्ज़ाम है जिसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है। अब यहाँ पर पोवा मक्का मकबरा पीर गियासुद्दीन ओल्दिया का ये मकबरा है, ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको मकबरा और वो कहाँ स्थित है, किसका मकबरा है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, यानी कि ये मेरा उचित बताना है कि आपको मंदिर, मस्जिद, मकबरा सब देख के जाना है। सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये करंट अफेयर का सवाल है, आदर भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है कि 1982 में ये लागू हुआ था रामसर संधि, तो आपको भारत में यह लागू आता है। अभी कितने स्थान जोड़े गए हैं, किस स्थान को रामसर संधि में शामिल किया गया है, इसके बारे में आपको देखे जाना है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया। तो इसमें आपको 1983 करेक्ट आंसर है, लेकिन आपकी स्थापना वाली जो डेट वाले टॉपिक है, क्वेश्चन है, हिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण डेटें हैं वो आपको देखना है और पॉलिटिकल्स की भी देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई पहले एसबीबीजे थी फिर एसबीआई बनी थी, और ये कौन कौन सी बैंक मिलकर किस बैंक का निर्माण हुआ, कौन कौन सी बैंक अभी मिली हुई है, दो बैंक को मिलाकर एक बैंक बना गया है, इसके बारे में आपको पूरा देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जीएसटी काउंसलिंग के अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। तो जीएसटी का जो भी टॉपिक है, स्थापना है, कहाँ से ये सोर्स लिया गया है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इसकी पूरी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएँ पाई जाती है, यानी ये बीज में पाई जाती है, जो ये पादप वाला टॉपिक है उससे हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आया हुआ है, मोनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है, यानी टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, हर खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये पॉलिटिक का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1986 में गाया गया था। अब यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है, अवदीप्तमान का उदाहरण है। यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन है, यानी आप ज्योग्राफी का मान सकते हो। अनानास एक पौधा है, ये कौन सा पौधा है, किस प्रकार का पौधा है, ये मरुद्भिद पौधा है अनानास। यहाँ पर आप देख सकते हो शेर शाह
सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये सासाराम बिहार में स्थित है। यानी मकबरा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इससे तो एक क्वेश्चन हर टॉपिक का हर एग्जाम में पुटअप हो रहा है। यहाँ पर शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, क्लोरोप्लास्ट ये ग्रहण करता है, क्लोरोप्लास्ट भाग है जो ये ग्रहण करता है सूर्य का प्रकाश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 51A में। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है यानी कि ये राष्ट्रीय उद्यान से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर पेंटिंग माई मदर किस ने बनाई थी, ये अबिंद्रनाथ ने बनाई थी, रविंद्रनाथ ने नहीं, अबिंद्रनाथ ने इसे, अबिंद्रनाथ टैगोर ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद चित्रित किया था। ये भी एक बार 10+2 में क्वेश्चन आया था, तब मैंने यहाँ पे लिखा था क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था, तब मेरे को याद है। मैसूर लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, ये मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इस प्रकार से हर टॉपिक से जो मैंने ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इस टॉपिक को, हर टॉपिक को देखना है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप मेरे पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।